धर्मशाला में धर्म खाकर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेल रही है कि हम जीतेंगे नहीं और सिर्फ पहले दिन ही हार जाएंगे, कोई क्रिकेट खेल रहे हो या भारत में आकर मौज लेने को आए पड़े हो, वैसे ही पहले दिन ही बताओ टेस्ट मैच हार जाएंगे इंग्लैंड की टीम और कुलदीप यादव ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की और भारत ने जिस हिसाब से युवा खिलाड़ियों ने एक झंडा गाड़ दिया भारतीय टीम का और उन्होंने कर दिया है कि हम किसी से नहीं हारेंगे और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रही जयसवाल बेमिसाल। और जिस हिसाब से इंग्लैंड की टीम को इतनी अच्छी शुरुआत मिलती है, जैक क्रॉली ने 79 रन बना दिए और जैक क्रॉली ने कोई ठेका ले रहा तुम्हारा, सब किरण ने जैक क्रॉली बना के देगा और बेन डेकिट ने 27 रन बनाए। और बात करते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो ऐसा लग रहा था कि काफी फायदा होगा और बहुत ही शानदार शुरुआत रही। मैंने पहले बोला था कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी होती है और उसके बाद तो इनकी ऐसी तेजी से हो जा रहा, मतलब एक आया और एक गया, एक आया और एक गया। 64 रन पर पहले विकेट गिरी, दूसरे गिरी 100 रन पर। आप सोच सकते हो जब दूसरी 100 पे गिरी तो भाई 300 या 350 रन तो बना देंगे। ओली पॉप बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाजी कर रहे थे जैक करौली, और उसके बाद जिस हिसाब से तीसरे विकेट 137 पे गिरी ओली पॉप आउट हुए, उसके बाद तो भगदड़ मच गई, ऐसे समझ जैसा कोई बिरयानी पकी हो वहां में ड्रेसिंग रूम में, एक आ रहा एक जा रहा, कोई तरीका हो गए वैसे नो करे बेसबॉल खेलेंगे। बेसबॉल तारी ऐसी तैसी जयसवाल ने कर दी, जयसवाल ने जिस हिसाब की बल्लेबाजी करी है, जयसवाल ने 26 छक्के लगा दिए, ऐसे समझ जैसे आईपीएल के मैच चल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी जयसवाल ने। बहुत ही बुरी पिटाई कर रहे हैं, थोड़ा सा शर्म कर, बुजुर्ग खिलाड़ी भी ना छोड़, एंडरसन की जिस हिसाब से इस सीरीज में पिटाई हुई है, बशीर की पिटाई हुई है, असली बेसबॉल इंडिया खेल रही है। 135 रन है 30 ओवरों में 130, ये भारतीय बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस की, 135 पे एक विकेट 30 ओवरों में और 4.5 की एवरेज है। और इंग्लैंड ने जिस हिसाब से क्रिकेट खेली है, यश बढ़िया था आप वैसे ही हार जाओगे, आप तगड़ी क्रिकेट तो खेलो, जो कैप्टन है वो 0 रन बना रहे, तो बहुत ही कुछ चल रहा है इस टेस्ट मैच में। पहली 64 पे गिरी, दूसरी 100 पे गिरी, तीसरे 137 पे, उसके बाद तो दौड़ बाज गई और 175 पे चौथी, और उसके बाद आप देखो कि 43 रन पे लास्ट की 6 विकेट गिर गई। और पिच में कोई ऐसा ना कि कोई पिच में कोई बॉल ज्यादा घूम रही है या कोई स्विंग ज्यादा हो रही है, कुछ ना, सिर्फ एक बेतुकी क्रिकेट खेल करनी, एक पागलन वाले क्रिकेट खेल करनी आउट हो रहे हैं। और जिस हिसाब की तारीफ करनी चाहिए भारत के बॉलरों की, कुलदीप यादव का बहुत ही शानदार स्पेल देखने को मिला, कुलदीप यादव ने 15 ओवरों में 5 विकेट निकाल दिए। और जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 17 रन बहुत ही किफायती बॉलिंग की और एक विकेट उनको मिला, और रविचंद्रन अश्विन जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं उन्होंने 4 विकेट निकाले, तो इन तीन स्पिनरों ने भारत के ने इंग्लैंड की ध्वस्त कर दिया। टॉप ऑर्डर को या पूरे टॉप ऑर्डर हो या कोई सा भी ऑर्डर हो, सबको नेस्तनाबूद कर दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में कोई विकेट नहीं, तो इंग्लैंड की काफी खराब क्रिकेट देखने को मिली। जैक क्रॉली 79 रन बनाए, अब 79 एक बल्लेबाज बना रहा है, टोटल बने हैं 218 रन। तो आप किस मुंह से आप जाओगे, अकबर हमने बहुत तगड़ी क्रिकेट के लिए पहले तो ये बोल रहे थे हम भारत को इतनी बुरी तरह हारेंगे, बेसबॉल ये है फलाना ढहको, तुम्हारी जो बात वो तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दी इन्होंने भारत के युवा खिलाड़ियों ने। और जिस हिसाब की एक स्कोर कार्ड देख के ऐसा लग रहा है सिर्फ एक बल्लेबाज को छोड़ दे जाए तो क्रिकेट को खेलने को किसी का दिल नहीं कर रहा है। और जैक क्रॉली 79 रन बनाए, बेन डेकिट ने 27 रन बनाए, ओली पॉप ने बनाए 11 रन, और जो रूट ने 26 और बेस्टो ने 29। और जिस हिसाब से इनको सबको शुरुआत मिली काफी अच्छी, इनकी आंख जम गई है फिर आउट हो जाते। जब आप देखो कि 27 बनाए, 79 रन बनाए, 26 बनाए, 29 बनाए, 24 रन बनाए बेन फॉक्स ने, जब आपने बॉल खेल लिए काफी बॉल खेल लिए तो आप तो विकेट पर काफी वक्त गुजर गया, आपको तो तगड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन आपको तो मजा ही नहीं आ रहा है मैच खेलने को। असली बात है जब धर्मशाला ये गए थे तो वहां पर फोटो शूट हो रहा था इनको, क्योंकि खूबसूरत ग्राउंड काफी अच्छा है, खूबसूरत बल्लेबाजी नहीं की इन्होंने, सिर्फ ग्राउंड में घूम रहे थे और सिर्फ कैप लगाकर टॉप आउट कर और गूद उड़ान में लिपटे डोल रहे, तो इन मैच तो वैसे ही ना खेल रहे, तो वैसे इनको दिल ना हो। और वैसे जिस हिसाब से कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, शानदार स्पेल देखने को मिला, कुलदीप यादव बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, और कुलदीप यादव को एक बार तो बाहर बिठाने की बात कर रहे हो भाई, इसे बाहर बिठा दो और 3 फास्टरों के साथ जाओ, कुलदीप यादव ना हो तो शायद कुछ और स्थिति होती, और एक लाजवाब परफॉर्मेंस रही। और 218 रन बनाए इंग्लैंड ने, और भारत की
एक जिस हिसाब से 218 रन, ये तो 10 एक ओवर और हो ना तो पूरे पूरे ने 200 ये जो 18 रन है आज बना देती इंडिया की टीम। और जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने, जायसवाल ने, गिल ने बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है, जायसवाल ने बनाई 57 रन बनाकर आउट हो गए 58 गेंद पर, एक ओवर में 3 छक्का मार दे, बसीरी की बसीरी बना दी माने जिस हिसाब की बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा 52 रन बनाकर क्रीज पर अभी डटे हुए है, 2 छक्के उसने लगाए हैं और 3 छक्के लगाए जायसवाल ने और 2 गिल ने लगा दिए। ऐसा समझ जैसे कोई T20 मैच चल रहा हो, बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है। और बसीर को 1 विकेट मतलब 11 ओवरों में 2 मैडन 64 रन 1 विकेट 6 के लगभग की इकोनॉमी से पिटाई हो रही है। इंग्लैंड को एक बुरी तरह पिटाई बाज रही है और ये बिल्कुल फिसड्डी क्रिकेट देखने को मिली इंग्लैंड की तरफ से। और जायसवाल ने 26 छक्के लगा दिए हैं इस सीरीज में, 26 छक्के लगाने को छोटी बात ना, और जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज है छक्का मार के 8 छक्का है और 68 चौके लगा दिए जायसवाल ने, बहुत ही बुरी तरह पिटाई करी है। ये लेफ्ट हैंडर वीरेंद्र सहवाग है, बहुत ही बुरी तरह पिटाई कर रहा है। और ऐसे बल्लेबाज चाहिए, हम पहले बोल रहे कि जायसवाल अग्रेशन क्रिकेट खेलता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई स्विंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, एक ही ओवर में बसीर के 3 छक्का मारे यानी, तो बहुत ही बुरी तरह इंग्लैंड काफी पीछे चल रही है और बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड बना दिए है। अभी भी 722 रन बनाकर इस सीरीज में 722 रन बना दिए, 89 की एवरेज है और 26 छक्के लगाए 68 चौके लगाए हैं। और जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज है बहुत ज्यादा फर्क रन में 407 रन है उसकी, 45 की औसत है। आप देखो कि कितनी जबर कितना गैप है, इसलिए इंग्लैंड काफी पीछे है और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना दिए हैं। और जो वसीम अकरम ने 12 छक्के लगाए थे 1996 में एक पारी में, और जायसवाल ने जब दूर शतक लगाए थे तो 12 छक्के उसने भी लगाए थे, और मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में बनाए थे और उन्होंने 11 छक्के लगाए थे, तो इसमें भी जायसवाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह पिटाई हो रही है। भारत को ओनली 83 रन चाहिए, भारत तो आज ही मैच जीतती नजर आ रही है, और कोई कोलैप्स हो जाते अलग बात है। तो भारत के लिए काफी शानदार पहला दिन रहा और बिल्कुल एक जीत की नजदीक आ रही है, क्योंकि आपके पास 9 विकेट है और ओनली 83 रन है, आप कम से कम 300 रन की बढ़त लेनी थी, इंग्लैंड को पारी से हरा के नहीं भगाते हो। तो क्रिकेट की खबरों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।